नमस्कार। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अर्थात झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2024 एवं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की है। 2024 की जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा है और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो 2024 की होने वाली है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा अर्थात चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप, इसका आवेदन पत्र परिषद के वेबसाइट, परिषद कहे तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये www.jack.jharkhand.gov.in/jack के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। और इसके संबंध में सारे निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जैक के द्वारा यानी परिषद के द्वारा सभी विद्यालयों का यूजर आईडी और पासवर्ड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अर्थात डीओ कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा और ये उपलब्ध कराया जाएगा 25 नवंबर तक। जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के डीओ को सभी विद्यालयों का, सभी विद्यालयों कहें तो ऐसे विद्यालय जिनके बच्चे वर्ग 8 की परीक्षा देंगे उनका यूजर आईडी और पासवर्ड डीओ को उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर डीओ के स्तर से ये यूजर आईडी और पासवर्ड उन विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा जहां के बच्चे परीक्षा देने वाले हैं। अब जो विद्यालय प्रधान होंगे उस यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए बच्चों का वर्ग 8 के जो विद्यार्थी हैं उनका आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन भरेंगे और डीओ कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय को पहले अनुमोदित किया जाएगा। और इसकी तिथि दी गई है 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक। देखिए, ये सबसे पहले विद्यालयों का अनुमोदन होना है और इसकी तिथि दी है और ये अनुमोदन करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ। अब इसके बाद ऑनलाइन जो आवेदन जमा करना है उसकी तिथि दी गई है 28 नवंबर से लेके 28 दिसंबर 23 तक, है ना। तो इस बीच में 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक संबंधित विद्यालय परिषद के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रपत्र जमा करेंगे। और इसका कार्यक्रम अभी नहीं दिया गया है, वर्ग 8 का जो प्रोग्राम है परीक्षा का वो अभी नहीं दिया गया है, ये बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो ये था वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित। अब एक दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना है वो है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2024 अर्थात CMMS 2024, चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप। आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष 2 बार ये परीक्षा हो चुकी है और दोनों बार अलग पोर्टल खोला गया था परिषद की ओर से, लेकिन इस बार कहा गया है कि अलग पोर्टल नहीं खोला जाएगा और जो आवेदन पत्र वर्ग 8 का भरा जाएगा बोर्ड की परीक्षा का उसी के साथ ये आवेदन पत्र उपलब्ध होगा और विद्यालय उन बच्चों का ये आवेदन भरेंगे जो इस परीक्षा में बैठने के या आवेदन करने के इच्छुक हैं और ये ऑनलाइन ऑनलाइन ही होगा, है ना। ये बोर्ड परीक्षा की, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म भरा जाएगा वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म भरा जाएगा उसी के साथ साथ ये CMMS
का भी आवेदन पत्र भरा जाएगा और जब ये सबमिट किया जाएगा, सबमिट करने के बाद इस डेटा को, जो भी डेटा दिया जा रहा है, भरा जाएगा, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पोर्टल पर उपलब्ध होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ के द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा, अर्थात अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव करने के बाद उनका प्रवेश पत्र निर्गत होगा। और इस परीक्षा की तिथि भी अभी घोषित नहीं की गई है। अतः इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए विद्यालय तैयार हो जाएं आवेदन करने के लिए। जो आवश्यक डेटा उनको चाहिए विद्यार्थी का, उस डेटा को आप जल्द से जल्द कलेक्ट कर लें, क्योंकि 28 तारीख से आपका बोर्ड का 28 नवंबर से बोर्ड की का जो फॉर्म है वो भरा जाना शुरू होगा और अंतिम तिथि 28 दिसंबर है। धन्यवाद।